लोकतंत्र की प्रति हमारी आस्था को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, संविधान के प्रति हमारे समर्पण को बार बार हमने कमिट करते रहना चाहिए। ये अपने आप में एक संस्कार है। आज की पीढ़ी में जो 20, 22, 25 साल के नौजवान होंगे, उनको अगर पूछा जाए कि आपातकाल कैसा था, ज्यादा उसको पता नहीं होगा, और खुदा सा अगर पता भी होगा तो टेक्निकली कुछ बातें वो बता पाएगा, उसके भीतर से वो आग प्रकट नहीं होगी। व्यक्ति स्वातंत्र की जो तड़पण होती हो, क्या होती है, प्यासे को पता चलता है कि पानी नहीं है तो वो पल कैसी होती है। व्यक्ति स्वातंत्र भी उसकी तीव्रता, जब उसका अभाव होता है तब अनुभव होती है। और देश ने कभी सोचा तक नहीं था कि सत्ता सुख के मोह में, परिवार भक्ति के पागलपन में लोकतंत्र और संविधान की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हिंदुस्तान को जेल खाना बना देंगे, देश के गणमान्य राजनेताओं को सलाखों में बंद कर देंगे। हर व्यक्ति को भय रहता था, उसे बता दिया देख तुम्हारा भी नाम मीसा में है, बस पुलिस आने वाली है, एक भय का माहौल उस समय था। और सब कुछ संविधान के तहत किया गया था। ये देखिए उनकी चतुराई देखिए, संविधान का कैसे दुरुपयोग किया जा सकता है, संविधान का एक परिवार के लिए किस प्रकार से हथकंडे के रूप में, साधन के रूप में उपयोग कर दिया जाता है, शायद ही ऐसा उदाहरण कहीं मिल सकता है।